स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का एक सब रिएक्शन है जिसका नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन। देखते हैं पहले इसका जनरल किन कंडीशंस में ये रिएक्शन होता है, पहले वो सीखेंगे एंड देन वी विल गो टू मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन दिस वीडियो। और इसका इमीडिएटली जो नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी वो सारे क्वेश्चंस जो आईआईटी लेवल पे या जेईई लेवल पे या आपकी नीट लेवल पे आ सकते हैं, इसमें वो सब टाइप के रिएक्शंस हम क्वेश्चंस, उस तरह के सवाल हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो देखते हैं क्या है ये राइमर टाइमन रिएक्शन। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये कि ये रिएक्शन में आपको फिनॉल लेना है। दिस इज व्हाट यू वांट, यू वांट अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल। फिनॉल में हम ऐड करेंगे QH एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3। इस तरह से हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक हो गया हमारा ये और दूसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट इधर इस तरह से ये। सो व्हेन वी ट्रीट फिनॉल विद chloroform in an alkaline medium, we are getting ortho hydroxy benzaldehyde, and we are also getting along with that para hydroxy benzaldehyde molecules. Now all you should know is this is major and this is the minor product. Why? Let us see. Because in this molecule of ortho hydroxy benzaldehyde, there is a intramolecular hydrogen bond. ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो है, ये इसको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है। ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है, जिसकी वजह से ये मेजर है, ये माइनर है। नॉट ओनली दिस चिल्ड्रन, ऑर्थो के दो पोजिशन है बेंजीन पे, आपको ध्यान है दो पोजिशन है के। इस वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन ऑर्थो आर मोर, सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज मोर, सो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विच इज ऑर्थो इज मेजर, बिकॉज अलोंग विद दैट देयर इज आल्सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू गिव इट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब जैसा मैंने कहा एक रिएक्शन देखेंगे तो ये जनरल तरीके से जैसे रिएक्शन होता है वो लिख दिया। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है इस वीडियो में। तो लिख देते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ राइमर-टाइमन रिएक्शन। ओके, नाउ सबसे पहले जो मैकेनिज्म में रिएक्ट करेगा वो है क्लोरोफॉर्म एंड KOH। द फर्स्ट थिंग दैट विल पार्टिसिपेट इन द मैकेनिज्म इज क्लोरोफॉर्म व्हिच विल रिएक्ट विद द पोटैश दैट इज KOH, एंड दैट गिव्स द इक्वेशन फॉर स्टेप वन, एंड दैट स्टेप वन इज CHCl3 रिएक्ट्स विद KOH टू गिव अस CCl2 sigma bonds and an electron pair plus KCl plus water. Now this is a molecule of dichlorocarbene. Ye intermediate hai, unstable hai, electrophile hai, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है।
और जैसा कि हम सीख चुके हैं कि बेंजीन रिंग पे जब अटैक होता है तो रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को अटैक करेगा, लेकिन वो अटैक करने से पहले फिनॉल इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा वो देखते हैं स्टेप वन में ही। फिनॉल यहां पर बेस के प्रेजेंस में जो आपका फिनॉल मॉलिक्यूल है वो यहां पर बेस के प्रेजेंस में फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जानते हैं ये बात सभी लोग, फिनॉल विथ KOH विल एग्जिस्ट एज अ इस तरह से फिनॉक्साइड आयन बनेगा ये, और जो OH माइनस है वो ऑलरेडी अलग है और इसमें K प्लस भी है, आप इसको पोटेशियम फिनॉक्साइड भी बना सकते हैं, बट इस तरह से ये फिनॉक्साइड आयन एग्जिस्ट करेगा। कि आपको पता है फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस दिखाएगा और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे वो समझते हैं। तो यहां हम बता रहे हैं किस तरह से रेजोनेंस हो रहा है फिनॉक्साइड आयन में, जो कि मैकेनिज्म का ही हिस्सा है। तो ये लिया हम लोगों ने फिनॉक्साइड आयन, ओके दिस इज फिनॉक्साइड आयन, this can resonate, this can come here, this will go here, this is how resonance takes place, and you got a car anion. This carbon ion can also exist like this over here. ये हमारा हो गया फिनॉक्साइड आयन और ये हमारे हो गए कार्ब एनायन फॉर्म, और इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां कि आप देख रहे हैं ये ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑर्थो पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये काफी इंक्रीज हो गया है और ये रिएक्शन के लिए एकदम रेडी है अभी स्पेशी। अब ये एनायन है, कार्बन आयन न्यूक्लियोफिलिक है और ये डाइक्लोरोकार्बिन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, और अब इन दोनों का इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होगा। कैसे ये रिएक्शन होता है ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि होगा हमारा स्टेप नंबर 2। तो इधर इस तरह से हम ये लाइन बना रहे हैं, इधर लिखते हैं स्टेप 2। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर टेकिंग द कार्बन आयन। आप यू कैन टेक ऑर्थो ऑल्सो, यू कैन टेक पैरा ऑल्सो, since in the beginning only we learned ortho is a major product, so I'm just taking ortho and we will write in the same manner with para also. So this I take, ortho ka electron density very very high, and this is now reacting with the dichloro, this is now reacting with this dichlorocarbene. Itne tak hum pahunch gaye hain. We can write, once again I'm repeating, we can write the reaction with this also. That is para position pe negative charge hai, high electron density, and we can also write the reaction with this. Jahan par ki ortho position pe negative charge hai. Ab jab ye reaction hoga, तो ये इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे देगा, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, एंड वी विल बी गेटिंग
like this. ये अटैच हो गया इससे Cl, Cl और इधर एक H है. This is how the structure is formed. अब थोड़ा सा जो हम पहले सीख चुके हैं वो समझते हैं कि अल्कलाइन मीडियम है, OH माइनस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी है उसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी भी है OH माइनस की. इट हैज वेरी गुड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, तो वो OH माइनस ही प्रोटॉन निकाल लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इस तरह से वापस एनायन में, और जो एच है आपका वो इधर आ गया. अब बच्चों ये समझना है बहुत ध्यान से, देखो यहां रेजोनेंस हो सकता है, ये एरोमेटिक है, ये स्टेबल है और ये अपनी एरोमेटिसिटी खो चुका है, इट इज नॉट एरोमेटिक. सो ऑब्वियसली ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल है. अब हमने सीखा है रिएक्शन हमेशा अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाएगा, और ये यहां पर ऑब्वियसली स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये सबसे धीमा होगा. दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड यू ऑल नो the slowest step is the rate determining step. So this is the RDS of the reaction. This is the rate determining step of the reaction. अब इसके resonating structure समझ लेते हैं. This can come here and this can go back to the oxygen. और ये phenoxide oxide ion में वापस से convert हो गया. देखिए इस तरह से ये pi bond इधर आ गया. And we have structure like this. यहां तक मेरे ख्याल है सबको बात समझ में आ गई है in the mechanism. Everybody. Correct? Now we move to the last step, which is step. Let us see what happens. Obviously, ये intermediate है finally, जिसके साथ reaction होगा. तो I'm just writing that. Oxide, CH, Cl, Cl. Now this is attacked by the nucleophile, OH minus. Here, like this, OH, Cl. अब यहाँ है आपके पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर आया, यहाँ से ये जो Cl है ये निकल गया, आपको मिलेगा like this. H double bond OH, इधर एक plus lone pair utilize हो गया, ये positive charge बता रहा है कि lone pair utilize हो गया है. Finally this will lose a proton and you will be getting like this. H double bond O और ये हो गया आपका OH. तो इस तरह से हमें मिला ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, यानी इसका और एक नाम दिस इज ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, एंड स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
para salicyl aldehyde. So that completes the entire mechanism, the introduction of Reimer-Tymon reaction. Now, immediately in the next video, I am taking all the possibilities of the examples, whether it is a direct example, whether it is with respect to different kinds of halogen instead of chloroform, we can use chlorobromoiodo kind of haloforms, that is bromochloroiodomethane, and then how the ring, instead of 6-membered carbon, it can be 5-membered or anything else of that kind, and how ring expansion can take place in these reactions. That is what is coming immediately now after this. Bye bye, take care, love and blessings to all of you.